बीते दिनों कोतवाली थाना अंतर्गत आने वाले शास्त्री चौक पर मोबाइल की दुकान में चोरी और साथ ही शाहपुर थाना क्षेत्र के रेमंड शोरूम और मेडिकल स्टोर का शटर तोड़कर चोरी करने वाले के संबंध में क्राइम ब्रांच शाहपुर पुलिस और कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के एक चोर को गिरफ्तार किया है। इसका नाम जाकिर हुसैन निवासी ग्राम बहेरी थाना बरगनिया जिला सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला है। अभियुक्त के पास से चोरी का एक लैपटॉप 22 मोबाइल और 12 मोबाइल की बैटरियां बरामद हुई हैं। इस गिरोह के अन्य सदस्य भी फरार चल रहे हैं जिनकी तलाश क्राइम ब्रांच कर रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी में लगी पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया, विगत मार्च माह में शहर क्षेत्र में कोतवाली थाना क्षेत्र में शाहपुर थाना क्षेत्र में दुकानों का शटर तोड़ के तीन बड़ी बड़ी चोरियां की गई थी। एक चोरी शास्त्री चौक पे मोबाइल की दुकान में हुई थी जिसमें लगभग 36 मोबाइल कीमती मोबाइल चोरी किए गए थे और उसी के एक सप्ताह के बाद शाहपुर थाना क्षेत्र में रेमंड का शोरूम, उसके बगल में एक कामता मेडिकल स्टोर चश्मे की दुकान थी, वहाँ पर शटर काट के चोरी की गई थी और वहाँ से चोर कैश ले गए। यह सनसनीखेज वारदातें लगभग शहर क्षेत्र में 4 से 5 बजे के बीच में की जा रही है और इस घटना को चुनौती मानते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने सीओ क्राइम सीओ गोरखनाथ और सीओ कोतवाली के पर्यवेक्षण में कोतवाली और शाहपुर की टीमों को लगाया था और इंस्पेक्टर साहब और इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम इस काम की पता रसी फलाग रसी में लगी हुई थी। इसी बीच में इस गैंग का एक व्यक्ति बिहार में गिरफ्तार हुआ है जिसके कब्जे से चोरी के 22 मोबाइल 12 बैटरी और एक अदर लैपटॉप बरामद हुआ है। इस गैंग में लगभग दर्जन भर सदस्य हैं। एक आदमी के हिस्से में जो सामान मिला था उसकी गिरफ्तारी हुई है और बाकी गैंग के सदस्यों के नाम प्रकाश में आ गए हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करने के बाद शेष सामान की बरामदगी की है। महोदय ने जो टीम बिहार में जाकर गिरफ्तार करके लाई है इस गैंग के सदस्य को उसको 15,000 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की। सर कोई पैसे की परवाह नहीं हुई है? नहीं, अभी गैंग के सदस्य के मुझे गिरफ्तार हुआ जिसके हिस्से में सामान आया था।